नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंता। एक हाथ और एक पैर 20 फुट का बन गया और एक हाथ और एक पैर 1 फुट का रह गया। कैसा लगता है किसी बच्चे को ऐसा बना दिया जाए? किसी आदमी को कैसा लगेगा कि जिसका एक हाथ और एक पैर तो 20-20 फुट का लंबा हो जाए और एक हाथ और एक पैर 1-1 फुट का रह जाए? कितनी समस्या होती है। थोड़ा सा हाथ छोटा होता है, थोड़ा सा पैर छोटा हो जाता है बीमारी के कारण, तो भी गति लड़खड़ा जाती है, काम करने की क्षमता कम हो जाती है हाथ की। तो भला इतना असंतुलन पैदा हो जाए तो फिर क्या होगा? ये असंतुलन पैदा हो रहा है। ध्यान करने का मतलब है आंतरिक जगत का परिष्कार करना, मस्तिष्क को ऐसा प्रशिक्षित बना देना, इतना परिष्कृत कर देना जिससे भीतर का मेलापन धुल जाए और भीतर की काली माँ सफेदी माँ में बदल जाए। यह संघर्ष, ईर्ष्या, भय, आवेश, वासनाएं, ये सारे हमारे आभा मंडल को मलिन बनाती, भीतर को अपरिष्कृत किए रहती है और समस्याओं को जन्म देती रहती है। ध्यान करना केवल आंख मूंद कर बैठना नहीं है, किंतु उस मैल का परिष्कार करना है। प्रेक्षा ध्यान का संकल्प है, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। चित्त शुद्धि, शरीर शुद्धि नहीं, वह तो अपने आप होगी और होती रहती है। चित्त शुद्धि के लिए यानी चेतना की शुद्धि के लिए, चेतना की निर्मलता के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए ये प्रयोग कर रहा हूं। तो प्रेक्षा ध्यान में आने वाले व्यक्ति को सबसे पहले आत्मा पर केंद्रित होना है, आत्म केंद्रित। जहां जिस ध्यान पद्धति में आत्मा नहीं है वह शायद बहुत आगे तक नहीं ले जाती। मन की बात बहुत छोटी है, अगर हमारा ध्यान मन तक सीमित रहा तो ये बाह्य जगत की बात हो जाएगी। मन तो खेल खेलता रहता है बाह्य जगत के साथ। कोरा मन का परिष्कार या मन की चंचलता को कम कर देना हमारे ध्यान का लक्ष्य नहीं है। हमारे ध्यान का लक्ष्य है आत्मा की निर्मलता। आत्मा पर जो मैल जमा हुआ है, जो संस्कार जमे हुए हैं, उनको उखाड़ना और चेतना को निर्मल बनाना। मन तो बेचारा जड़ है, यंत्र है, हमारे काम करने का साधन है, वह तो अपने आप ठीक हो जाएगा। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है भाव शुद्धि। भाव चेतना का एक हिस्सा है, चित्त शुद्धि चेतना का एक अंग, चेतना की एक रश्मि, लेश्या की विशुद्धि। भाव शुद्धि, लेश्या शुद्धि, चित्त विशुद्धि सब आत्मा से जुड़े हुए हैं। उनको निर्मल बनाना, पवित्र बनाना, और इन सब को एक शब्द में कहा गया कषाय मुक्ति, कषाय से मुक्त होना। अब कषाय मुक्ति इस शब्द से पूरी बात समझ में न आई तो विस्तार के साथ हमें समझना है कि कषाय का मतलब कि आदमी जब जब क्रोध करता है तो मलिन बनता है, पुरानी मलिनता को पोषण दे देता है और नई मलिनता का चादर एक और ओढ़ लेता है। जब जब आदमी अहंकार करता है उस आवरण को और प्रगाढ़ बना देता है, घना कर देता है। जब जब आदमी माया करता है तो
दूसरे को नहीं ठगता, अपने आप को ठगने में और एक नई बात जोड़ देता है, अपनी आप की ठगाई कर लेता है। जब जब आदमी लोभ के आवेश में जाता है तो पदार्थ का संग्रह नहीं करता केवल, उसके साथ साथ इतने परमाणुओं का संग्रह कर लेता है, इतने कर्म परमाणुओं का संग्रह और संचय कर लेता है कि वह पदार्थ का संग्रह तो मरते समय छूट जाता है, पर वह कर्म परमाणुओं का संचय तो पता नहीं कितने जन्मों तक बराबर साथ रहता है और अपना परिणाम भुगताता रहता है। तो ये सारा कसाय का परिवार, इतना ही नहीं और आगे बढ़ता है ये घृणा, ये द्वेष, ये भय, ये अच्छी चीज के प्रति, संयम के प्रति मन में अरुचि, और असंयम जो सताने वाला है उसके प्रति आकर्षण, ये सारा कसाय से ही पैदा होता है। तो सारी समस्याओं का मूल है कसाय, कसाय जो आदमी को रंगीन बना देता है और ऐसा रंग चढ़ाता है कि दूसरा रंग बस उसे दिखाई नहीं देता। तो उस कसाय से मुक्ति पाना अंतर जगत का परिष्कार, ऐसी शिक्षा जिससे कि आदमी कसाय से मुक्ति पा सके। विद्यालय में पढ़ा, महाविद्यालय में पढ़ा, अनेक डिग्रियां प्राप्त कर ली, बाद में रिसर्च की, पीएचडी किया, डॉक्टर बन गया, डीलिट किया और भी करता चला गया और शिक्षा जगत की अनेक उपाधियों से अलंकृत हो गया, किंतु परिवार के साथ सामंजस्य नहीं कर सकता, पत्नी के साथ भी सामंजस्य नहीं बिठा सकता, सबके साथ लड़ता झगड़ता रहता है, तो क्या पढ़ाई से परिष्कार हुआ मस्तिष्क का? खूब पढ़ाई कर ली पर नशे में चूर है, नशा करता है। हमने देखा है ऐसे विद्वानों को जो शराब भी पीते हैं और भी ड्रग का उपयोग करते हैं, क्या हुआ? क्या मस्तिष्क का प्रशिक्षण हो गया? ऐसे विद्वान की पढ़ाई तो बहुत कर ली पर थोड़ी सी बात पर आत्महत्या करने को तैयार, थोड़ी सी कुछ घटना घटी और आत्महत्या कर लेता है। इतना ऊंचा पढ़ा लिखा हुआ आदमी ऐसा करता है तो क्या मस्तिष्क प्रशिक्षित हो गया? लगता नहीं। यानी जो जीवन में समग्रता आनी चाहिए या मस्तिष्क का समग्र विकास होना चाहिए, वह सारा कुछ भी नहीं हुआ। ध्यान मस्तिष्क के उस हिस्से को प्रशिक्षित करने के लिए है कि जो हिस्सा समस्या को जन्म देता है, यानी कसाय का हिस्सा मस्तिष्क का एक हिस्सा है, इसका नाम ही है मेडिकल साइंस में इमोशनल एरिया, कसाय का क्षेत्र है इमोशनल एरिया। अगर एक है जैसे बौद्धिक क्षेत्र, बुद्धि का क्षेत्र, मस्तिष्क के अनेक भाग हैं और आज तो मस्तिष्क पर बहुत ज्यादा ज्ञान शोध और जानकारियां मिली है, तो अनेक हिस्सों में एक है बुद्धि का क्षेत्र। आदमी ने स्मृति का क्षेत्र, बुद्धि का क्षेत्र बहुत विकास किया है। थोड़ी सी स्मृति कम होती है और तत्काल आता है कि मेरी स्मृति कमजोर हो रही है, मुझे क्या प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टरों के पास भी जाता है, दवाई लेता है कि स्मृति का विकास हो जाए। बुद्धि का विकास, स्मृति का विकास, उसकी चिंता बहुत करता है, पर
क्रोध ज्यादा आता है, लोभ ज्यादा आता है। कभी डॉक्टर के पास नहीं गया होगा कि डॉक्टर साहब क्रोध बहुत आता है, मुझे कोई दवाई दो। शायद किसी हॉस्पिटल में ऐसा इतिहास नहीं मिलेगा। है भी नहीं भैया, और है भी नहीं। और लोभ ज्यादा है तो लोभ के लिए तो दवा लेने कोई जाता है नहीं। वह तो समझता है कि जितना लोभ उतना ही कल्याण, बस लोभ कम हुआ तो कल्याण ही कम हो जाएगा, कोई जाता ही नहीं है। तो एक ऐसी धारणा बन गई, शिक्षा की ऐसी हमारी प्रणाली बन गई कि बस दिमाग को उस दिशा में शिक्षित करना कि आदमी ज्यादा लोभ करे ज्यादा कमा सके, करना बहुत जरूरी है। अगर हम क्रोध नहीं करेंगे तो हमारे कर्मचारी काम ही नहीं करेंगे। तो ये धारणा बद्ध हो गई। कभी 10-20-50 आदमियों से काम लेना है, फैक्ट्री को चलाना है, उद्योग को चलाना है, और 1,000-2,000-5,000 मजदूरों को संभालना है तो क्रोध करना तो जरूरी है, उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। तो मस्तिष्क का सारा प्रशिक्षण क्रोध, अहंकार, कपट, लोभ बढ़ाने की दिशा में हो रहा है। मान लेना चाहिए, उज्वलापन तो जैसे जैसे घटता जा रहा है और मलिनता को बढ़ाने की दिशा में कदम आगे बढ़ रहा है। और दूसरी ओर हम समस्या से घबराते भी हैं कि ये समस्याएं पैदा हो रही है, ये संघर्ष, ये लड़ाइयां, ये तोड़फोड़, ये गोलियां चल रही, ये आतंकवाद क्यों नहीं चलेगा। जब मस्तिष्क को हमने एक दिशा में शिक्षित कर दिया, कसाई की दिशा में, और कसाई मुक्ति की दिशा में उसको शिक्षित ही नहीं किया, तो वह मस्तिष्क तो ये सारा करेगा ही, क्यों नहीं करेगा। कर जो हो रहा है उसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है उस ओर हमारा ध्यान आकर्षित होना जरूरी है। और उसका एकमात्र उपाय है ध्यान।